अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोहसिन ज़मान एंड आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट। हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। होपफुली हमेशा की तरह आपको आज का टॉपिक भी बहुत पसंद आएगा, आप मेरी आज की वीडियो को भी पसंद करेंगे। आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पर है, ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है कि जिसके अंदर हम बताएँगे कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो और अल्बाइनो ब्लैक आई सिंपल। अब सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि व्हाट इज़ अल्बाइनो ब्लैक आई। अल्बाइनो ब्लैक आई जो है वो डेक ब्लू बर्ड है, मतलब डेक मतलब डार्क आई क्लियर, आंखें एक ब्लैक होती हैं और बॉडी बिल्कुल वाइट हो जाती है, क्लियर हो जाती है ब्लू बर्ड में। और इसके बरक्स जब आप अल्बाइनो रेड आई देखते हैं तो उसकी बॉडी तो क्लियर होती है लेकिन उसकी आँखें रेड होती हैं। तो इन दोनों के दरमियान ये मेजर डिफरेंस है। अब हम आते हैं कि हम किस तरीके से ये चीज़ डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा बर्ड अल्बाइनो ब्लैक आई है या हमारा बर्ड अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो है। देखें, ये चीज़ें सबसे पहले तो आपकी पेयरिंग पे मुनहसर होती हैं कि आप पेयरिंग क्या करते हैं। हम पेयरिंग देखते हैं कि जब हम एक ब्लैक आई बर्ड को एक अल्बाइनो रेड आई बर्ड के साथ लगाते हैं तो उसमें से जो चिक्स आते हैं अल्बाइनो, मैं बात कर रहा हूँ अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो की, जब हम अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो को अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाते हैं तो हमारे पास दो किस्म के बच्चे आते हैं। एक बर्ड होता है अल्बाइनो रेड आई और दूसरे किस्म का जो चेक होता है वो होता है अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो। उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, हम उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन मसला वहाँ आता है जब हम दो स्प्लिट बर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि दो लोग पेयरिंग करते हैं अल्बाइनो ब्लैक आई टू अल्बाइनो, अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो इनटू अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो। उसमें से कुछ चेक्स तो आते हैं अल्बाइनो रेड आई के, लेकिन जो ब्लैक आई चेक्स आते हैं उसमें हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि आया ये ब्लैक आई बर्ड स्प्लिट इनो है या नहीं है, उसे हम कैसे जज करेंगे, उसके लिए ये वीडियो है। ये आप मेरा हाथ में देख रहे हैं लवबर्ड कंपेंडियम। सबसे पहले तो ये लवबर्ड कंपेंडियम में आप देख रहे हैं, ये डर्क वैंडन अबीले की 40 से 45 साल की मेहनत है, उसके बाद उसने ये किताब लिखी है। इसका पेज नंबर है 381। 381 के ऊपर इस बुक में डर्क लिखता है कि अल्बाइनो ब्लैक आई मीन्स डेक ब्लू बर्ड, उसकी जो रंप होती है उसमें वॉयलेट शेड नज़र आता है। इसके साथ साथ वो हमें ये भी बताता है कि लेकिन जब ये म्यूटेशन रेड आई के अंदर जाती है, मतलब रेड आई का स्प्लिट बनता है, अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो होता है जब बर्ड, तो जो उसकी रंप होती है वो बिल्कुल वाइट होती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बुक का हवाला देने के साथ साथ उसे हाईलाइट करके आपको शो कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। आप देखें, ये आपके अब नज़र आ रहा है आपको, ये देखें इसके अंदर इसमें क्या लिखा है डर्क ने। इसमें डर्क ने लिखा है कि जो अल्बाइनो ब्लैक आई है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो से। एक ही वॉयलेट रंप नज़र आ रही होती है, लाइट कलर में नज़र आ रही होती है, प्रॉपर नज़र नहीं आ रही होती जिस तरीके से फिशरी वर्ड होता है, लेकिन इसकी लाइट कलर में हल्के कलर में जब रिफ्लेक्शन आता है तो वॉयलेट नज़र आती है रंप। लेकिन जब अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो हो जाता है तो उसकी रंप बिल्कुल वाइट हो जाती है। अब हम इसे प्रैक्टिकल भी देखते हैं ना, तो मैंने ये चीज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने सोचा कि यार सिर्फ पढ़ाई करके मैं जाके वीडियो में बता दूंगा तो शायद लोग मेरी बात पहचान ना करें। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इसको विजुअली भी दिखा सकूं, तो मैं अपनी एवरी में गया, मैंने दो बर्ड्स पकड़े, एक अल्बाइनो ब्लैक आई था कंफर्म ब्रीड की हुई थी उसने, और एक अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो था टेस्ट ब्रीड की हुई थी उसने, वो प्योर अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो ही था। तो मैंने दोनों बर्ड्स की जब रंप चेक की तो आई वॉज रियली अमेज कि यार जो डर ने लिखा है इस बुक के अंदर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अभी आप लोगों को मैं शो करने लगा हूँ वो वीडियो भी, देखें अभी आप लोगों को जो बर्ड शो हो रहा है ये अल्बाइनो ब्लैक आई है सिंपल, इसकी रंप में आप देख रहे होंगे लाइट सा वॉयलेट जो है ना टच आ रहा है, आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही होगी, इसकी रंप जो है वो लाइट वॉयलेट सी नज़र आ रही है। अब इसके बाद मैं जाने लगा हूँ अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो की तरफ, उसकी रंप देखें कैसी है। अब ये देखें आपके सामने ये बर्ड नज़र आ रहा है अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो का, इसकी रंप बिल्कुल वाइट है, क्लियरली वाइट नज़र आ रही है इसकी रंप। इसमें कोई भी हमें जो है ना मसले मसाइल नज़र नहीं आ रहे कि भाई वॉयलेट टच दे रहा हो। तो इस तरीके से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो डर्क ने अपनी बुक के अंदर लिख दिया है वो 100% ट्रू बात उसने लिखी है, और उसकी वैसे भी बहुत मेहनत है, उसने बहुत मेहनत की हुई है, जंगलों की खाक छानी हुई है, उसके बाद जाके वो किसी नतीजे पर पहुँचता है। तो हमें इस बुक को बहुत अहमियत देनी है क्योंकि ये लवबर्ड कंपेंडियम जो है वो बाइबल ऑफ लवबर्ड कहलाती है।
इसी बुक की वजह से मैं बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने व्यूअर्स को भी इसके बारे में बताता रहूँ, गाहे बगाहे मैं आप लोगों के साथ ये नॉलेज भी शेयर करता हूँ। क्योंकि देखें, बुक्स जो होती हैं वो थ्योरी जो होती है वो एक्सपेरिमेंट की बेस पे ही लिखी जाती है, विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं लिखी जाती है। तो इस बुक के अंदर जिस तरीके से मेंशन था उसी तरीके से हमने आपको विजुअली भी दिखा दिया कि दोनों बर्ड्स में कितना डिफरेंट है। अब होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया है, मुझे पसीराई दी है, मुझे हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा है, मुझे बहुत मोहब्बत मान ली है आप लोगों ने। इसी तरीके से आप मुझे मोहब्बत देते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी आप जो है शेयर करते जाएं ताकि ये नॉलेज जो है आम बंदे तक जाए। मैंने और भी बहुत वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर ये सारे, कोई कहता है आँख देखो, कोई देखता पाँव कहता है पाँव देखो, कोई कहता है चोंच देखो, लेकिन ये है जेन्युइन रीज़न कि क्या देखो। तो रंप से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।